हे गाइस, स्वागत है माय न्यू ब्लॉग। काफ़ी टाइम बाद मैं आज ब्लॉग कर रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी गोप्रो में, जिस वजह से मैं ब्लॉग नहीं कर रहा था। खैर, वो कभी और चर्चा करेंगे। आज का ब्लॉग बहुत ही टेस्टी होने वाला है। टेस्टी मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको पता चलेगा। अगर आप खाने पीने के बहुत शौकीन हैं तो ये ब्लॉग पूरा एंड तक देखें। और चलते हैं, तो ये मिस्टर सेफ सुरजय बताए क्या बना रहे हैं आज। बनाएंगे वेज बिरयानी हम। ये पहले कॉलीफ्लावर, कैरेट, शिमला मिर्ची, ग्रीन पीस, पनीर, इसमें पुदीना, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कितने लोगों के लिए बन रही है ये? बन रही है हाफ केजी के, 5 लोगों के लिए। सॉल्ट, बिरयानी मसाला, कश्मीरी मिर्च, गरम मसाला थोड़ा सा, धनिया पाउडर, ये हाफ टी स्पून हल्दी, 200 ग्राम, आधा किलो चावल की बिरयानी, आधा किलो, 1 किलो डाल सकते हैं ये सब्जी, आधा किलो सारी मिला के। आप क्या बना रहे गणेश जी? मैं बना रहा हूँ पहाड़ी चिकन। पहाड़ी चिकन, इसमें क्या क्या डाले अभी तक? इसमें हमने डाला प्याज, अदरक, लहसुन का चॉप और गरम मसाले थोड़े से, सब एक साथ ही मिक्स कर दिए। हाँ, सब एक साथ। जैसे हांडी मटन बनाते हैं उस तरह से आप बना रहे हो? उसी टाइप से बना रहे हैं। इसको मिक्स करके आप सिर्फ छोड़ दोगे, पक जाएगी? इसी में पकाएंगे, इसी में भुनेंगे इसको। अच्छा, पहले भुनोगे, उसके बाद लास्ट में जब ये पक जाएगा उसके बाद इस पर हम पानी छोड़ेंगे। गाइस, मैं आया हूँ एक सेफ ट्रेनिंग सेंटर पे। अगर समझो आप इसमें फ्राई किया हुआ डालो और इसको सीधा भून के फिर राइस डाल दो तो आपका डायरेक्ट ग्रेवी बन जाएगा। दही भी है इसमें, टमाटर नहीं डालना है तो। अगर टमाटर वाला जो मसाला बनाते हैं ना अपन चॉप करके, ओनियन, हाँ, फिर उसमें ये डालेंगे तो हो जाएगा। परिणाम जी, आप क्या बना रहे हो इसमें? भाई ये मसाले को ग्रेवी पीस रहे हैं। किसके लिए ग्रेवी है ये? चिकन के। चिकन के लिए ग्रेवी? चिकन तो बोले ग्रेवी पड़ेगा ही नहीं उसमें। चिकन के लिए नहीं, ये पनीर, कढ़ाई पनीर नहीं, कढ़ाई पनीर के लिए कहाँ है?
क्या आइटम भाई आपका दिनेश जी के ये है आपका ग्रेवी का बन रहा, इसमें आपका कढ़ाई पनीर बनेगा और आपका कढ़ाई पनीर हो गया, दाल तड़का ये ग्रेवी के लिए मसाला तैयार हो रहा है। इसमें है आपका क्या चीज डाले हैं इसमें? इसमें टमाटर, प्याज और काजू, प्लस आपका धनिया, जीरा, सौंफ, गरम मसाला, खड़ा मसाला, ये सब चीज़ को आपने पहले बॉईल कर दिया? हाँ, सारा मिक्स करके बॉईल कर रखा है, अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। जो आइटम बनाए हैं सेफ, उसमें कितना रेटिंग मिले उन्हें, क्या मिले, तो जस्ट टेस्ट करने में जो मज़ा आता है खाना। ओहो, यहाँ पे गुलाब जामुन बनाए जा रहे हैं शेफ के साथ। ये हमारे शेफ है राजू भाई, आओ यार राजू भाई। तो इसमें क्या क्या डाले हैं अभी, किस चीज़ का बनाए हैं? इसमें मैदा है, दूध पाउडर है, बेकिंग सोडा है, चीनी है, फिर घी के साथ उसको इसको गूंद के अच्छे से इसका बॉल बनाएंगे, फिर इसको फ्राई करेंगे, फिर जाएगा चाशनी। नहीं कौन सा नहीं है इसमें, जो सोडा डाल है ना सोडा। आपका गुलाब जामुन हो गया रेडी? अभी थोड़ा टाइम लगेगा, दो मिनट से दो से तीन मिनट लगेंगे। पिक्चर इसका अच्छा है। आधा सौ, दो बाग धनिया, एक जीरा, एक काली मिर्च। इसमें अगर आपके पास कश्मीरी मिर्ची है अखी बड़ी वाली होल, वो भी डाल सकते हो आप। अभी इसमें हम लोग डालेंगे पाउडर, इसको अच्छे से भूनने के लिए थोड़ा सा नमक, क्योंकि सारा कुछ मस्त अच्छे से भून जाएगा पूरा। कढ़ाई का कोई भी आइटम हो उसमें ये पड़ेगा, ये मसाला जाएगा। सो ग्राइंड करोगे फिर? डाल के उसको अच्छे से मिक्स, थोड़ा पानी अगर लगता है तो पानी डालो, पानी डालो भैया थोड़ा। थोड़ा सा उसको ताकि सब मसाले भी एक साथ मिक्स हो जाए।